हृदयांश, आप लोग सोच रहे होंगे ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। तो आपने ठीक सुना, ये वही बच्चा है जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। बीमारी का नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जो कि एक जन्मजाति बीमारी है और उसका इलाज दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। और आज उस इंजेक्शन की कीमत 17.5 करोड़ रुपए। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज यानी 14 मई को 17.5 करोड़ रुपए का सबसे महंगा इंजेक्शन जयपुर लाया गया। अब इस परिवार में भी खुशियों की लहर फिर से आएगी और इस इंजेक्शन की वजह से इस मासूम को एक नई जिंदगी मिलेगी। 3 अगस्त 2022 को हृदयांश का जन्म हुआ था। हृदयांश के बाद से परिवार में खुशियों का माहौल था। उसके माता पिता का कहना है कि जहां बाकी बच्चे 6 महीने की उम्र में हंसने, खेलने, कूदने, उठने और बैठने लगते हैं, वहां हृदयांश 20 महीने के बाद भी घुटनों के दम पर भी नहीं चल पाता था। इसके बाद परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी और इसको लेकर हृदयांश को जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया गया। पहले कमजोरी बताकर डॉक्टर इलाज करते रहे, फिर जब हृदयांश को कोई फायदा नहीं हुआ तो फोर्टिस हॉस्पिटल में जांच करने के बाद पता चला कि उसको जेनेटिक बीमारी है। इस वजह से उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है और वह खड़ा भी नहीं हो सकता। हृदयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जिसके इलाज के लिए जलगणेश में इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। और आपको बताते हैं कि आज उसे दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लग चुका है। जी हाँ, आज दोपहर में पेपर वर्क कम्प्लीट करने के बाद जेके लोन अस्पताल में इंजेक्शन पहुंचा, जिसे आज शाम डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बच्चे को लगाया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि प्रियांशु माथुर ने क्या कहा। हृदयांश को जीन थेरेपी इन्फ्यूजन शुरू हो गया है, जो लगभग 20 मिनट की दवा अंदर जा चुकी है। ये दवा 60 मिनट में जाएगी, तो अभी अगले 40 मिनट तक दवा और चलेगी। अभी ये जो 20 मिनट की जो दवा गई है उसमें बच्चा स्टेबल है और उसको अभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। सर, कितने महीने का समय लगेगा इसके रिजल्ट आने में दवा के, और कितना रिजल्ट है इस दवा का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर बात करें, और राजस्थान की बात करें तो कितने बच्चों में अब तक इस दवा का उपयोग किया जा चुका है? अगर हम जहाँ तक स्पाइनल मस्कुलर बीमारी की बात करें तो इनकी जो स्पाइनल मस्कुलर बीमारी है उसमें जो बच्चों की एवरेज लाइफ होती है वो 2 से 4 साल तक ये नीचे देखी गई है। अब तक ये दवा दुनिया में लगभग 3500 बच्चों को लग चुकी है, और ये आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि इन 3500 बच्चों में लगभग सब बच गए, 0.5 से भी कम मोर्टैलिटी। तो जिस बीमारी के अंदर लगभग 100% डेथ थी उसमें 99.5% बच्चे बच चुके हैं। तो दूसरा यह कि इस दवा का असर तो ऐसा माना जाता है कि 7 से 10 दिन में दिखना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन कंप्लीट रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये प्रोसेस लगभग 60 मिनट चलेगा, उसके बाद इसकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी जो उसको आगे 2 महीने तक देनी पड़ेंगी, बट वो मुंह से पीने की दवाइयाँ। बच्चा एडमिट रहेगा हॉस्पिटल में सर? 24 घंटे हम भर्ती रखेंगे इसको, और कल शाम तक सब कुछ ठीक रहेगा तो कल इसकी छुट्टी करेंगे। थैंक यू।